दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक बार फिर डेनमार्क में नंगा नाच हुआ। जी हां, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर डेनमार्क में कुरान शरीफ को जलाया गया। बीते कुछ दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था और अब एक एक कर तमाम अरब ममालिक जो हैं वो डेनमार्क के ऊपर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई निंदा पेश कर रहा है तो कोई सबक सिखाने की बातें कर रहा है, पर अब कतर ने जो बड़ा कदम उठाया है वो यकीनन इन लोगों के गालों पर करारा तमाचा जैसा पड़ गया है। जहां साफ तौर पर कतर ने अपने मॉलों को, दुकानों को ये सख्त एडवाइजरी दी कि डेनमार्क के प्रोडक्ट्स को निकाल करके बाहर फेंके, और उसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आना शुरू हो गई। जहां मॉलों से डेनमार्क और स्वीडन के सामानों को निकाल करके बाहर फेंका गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से कतर के मॉल में यह कदम उठाया गया है और तमाम अरब मालिक जो हैं वो डेनमार्क और स्वीडन के खिलाफ लगातार भड़के हुए हैं, क्योंकि यहां दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा भड़का हुआ है डेनमार्क की इस घटना को लेकर। क्योंकि यह पहली बार डेनमार्क में नहीं हो रहा, इससे पहले भी डेनमार्क में इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। बीते 15 दिन पहले स्वीडन में इसी कहानी को दोहराया गया, जो कि लगातार लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। और किस तरीके से कतर ने और सख्त एडवाइजरी जारी की है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, कतर ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में पवित्र कुरान की एक प्रति जलाए जाने की कड़ी शब्दों में निंदा पेश करते हुए कहा कि इस बात पर जोर दिया कि यह जघन्य घटना लोगों को भड़काने और उनकी भावनाओं को गंभीर रूप से भड़काने का एक कृत्य है। दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं जिनकी भावनाओं को आहत किया गया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने पवित्र कुरान के बार बार उल्लंघन की अनुमति देने से नफरत और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। शांतिपूर्ण ये अस्तित्व के मूल्यों को खतरा होता है और घृणित दोहरे मानकों का पता चलता है। मंत्रालय ने कतर राज्य द्वारा विश्वास, नस्ल या धर्म के आधार पर सभी प्रकार के नफरत भरे भाषणों के साथ साथ राजनीतिक विवादों में पवित्रताओं का उपयोग करने को पूरी तरह से अस्वीकार करने की बात को दोहराया है। इसने यह भी चेतावनी दी है कि दुनिया भर में मुसलमानों को बार बार निशाना बनाने के लगातार व्यवस्थित ऐलान के साथ इस्लाम के खिलाफ घृणा और इस्लामोफोबिया के प्रवचन में खतरनाक वृद्धि देखी गई है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने घृणा, भेदभाव, उत्तेजना और हिंसा को अस्वीकार करने की अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपना संपर्क तोड़ने के लिए कहा है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए अपील की है। इससे संवाद और आपसी समझ के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। मंत्रालय ने सही सुनता और सह अस्तित्व के मूल्यों के लिए कतर के पूर्ण समर्थन और बातचीत और समझ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांतों को स्थापित करने की उसकी उत्सुकता को दोहराया है। एक छोटे समूह ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में मिस्र और तुर्की दूतावासों के सामने इस्लाम की पवित्र पुस्तक को जलाया था, जिसमें आग लगा दी गई। कोपेनहेगन में डेनिश पैट्रियट्स नाम की अति दक्षिणपंथी, अति राष्ट्रवादी समूह द्वारा इस्लाम विरोधी प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद समूह ने सोमवार और पिछले सप्ताह इराकी दूतावास के सामने कुरान को जलाया था। एक छोटे समूह ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में मिस्र और तुर्की दूतावासों के सामने इस्लाम की पवित्र पुस्तक को जलाने का काम किया गया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। कोपेनहेगन के डेनिश पैट्रियट्स नाम कि अति दक्षिणपंथी इस्लामोफोबिया फैलाने वाले संगठन की तरफ से इस कार्य को अंजाम दिया गया।
जिसके बाद समूह ने सोमवार और पिछले सप्ताह इराकी दूतावास के सामने कुरान जलाया था। पिछले महीने पड़ोसी देश स्वीडन में भी ऐसी दो घटनाएं हो चुकी हैं। इराक के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यूरोपीय संघ के देशों के अधिकारियों से कुरान जलाए जाने के आलोक में तथा कथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रदर्शन के अधिकार और शीघ्रता से पुनर्विचार करने का ऐलान किया था। तुर्की ने यह साफ तौर पर कहा कि उसने कुरान पर इसे घृणित हमला बताया और इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की। डेनमार्क से इस्लाम के खिलाफ इस घृणा अपराध को रोकने की अपील भी की गई, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई के लिए भी चेतावनी दी है। डेनमार्क की सरकार ने आगजनी की घटना को भड़काऊ और शर्मनाक कृत्य बताते हुए इसकी निंदा कर दी है, लेकिन कहा है कि उसके पास अहिंसक प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोई शक्ति नहीं है, वो पूरी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों के आगे नतमस्तक है। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और कुरान जलाने पर अपने इराकी समक्ष फुआद हुसैन के साथ रचनात्मक फोन कॉल की कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए इन शर्मनाक कृत्यों की डीके द्वारा बार बार निंदा की गई है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि सभी विरोधी शांतिपूर्ण रहने चाहिए। उन्होंने सोशल नेटवर्क एक्स पर लिखा, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के कानून प्रोफेसर ट्राइन ने डेनिश कानूनों की व्याख्या करते हुए रॉयटर्स समाचार एजेंसी को यह साफ तौर पर बताया कि जब लोग प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें अभिव्यक्ति की विस्तारित स्वतंत्रता को लाभ होता है, पर उसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और जब सरकार ही ये कह देगी कि उनके देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी को वो रोक सके, वो इनके आगे पूरी तरीके से नतमस्तक है। पर यहां इसे अभिव्यक्ति की आजादी डेनमार्क ने करार नहीं दिया। यहां डेनमार्क ने बताया कि ये इस्लाम विरोधी कार्रवाई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो इसकी निंदा करता है। पर अब जो एक्शन का रिएक्शन अरब देशों से देखने को मिला, जहां कतर ने मॉल से सामान को निकाल करके फेंकना शुरू कर दिया है और तमाम देशों से इसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां बार बार कुरान शरीफ की बेहरमती की जाती है, उसे जलाया जाता है और अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे दिया जाता है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।